दोस्तों आप एक ऊंट के बारे में क्या क्या जानते हैं? यही ना कि ऊंट एक भरोसेमंद जानवर है जो सामान उठाने और सफर करवाने में इंसानों के बहुत काम आता है। उनकी सबसे बड़ी खासियत है उनके पैर, जो भगवान ने खास रेत पर चलने के लिए बनाए हैं। दोस्तों आप ऊंट के बारे में ये भी जानते होंगे कि ऊंट एक ऐसा जानवर है जो एक बार में 21 लीटर पानी पी जाता है। मगर आज हम आपको ऊंट के बारे में ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आपने पहले ना तो कभी सुनी होंगी ना ही कभी इमेजिन किया होगा। दोस्तों क्या आपको पता है, जब भी कोई ऊंट मर जाता है तो हमें उसकी बॉडी को छूने से मना किया जाता है। मरे हुए ऊंट की बॉडी को छूने से बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। आप कभी सोच भी नहीं सकते कि वही ऊंट जो जिंदगी भर इतना मासूम रहा, आज मरने के बाद उसकी हालत ऐसी हो गई। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों हमें ऊंट की लाश को छूने से मना किया जाता है और आखिर मरने के बाद ऊंट के साथ क्या होता है। दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हम आपको ऊंट से जुड़े हुए कई फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर ऊंट के लिए आपका नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। उसके लिए हम सबसे पहले आप सभी से कुछ सवाल करना चाहेंगे। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है, रेगिस्तान की गर्मी में पानी के बिना जहाँ कोई भी जानवर जिंदा नहीं रह पाता, वहाँ ये ऊंट कैसे अपना गुजारा करते हैं? और सिर्फ गुजारा ही नहीं, हम इंसानों के लिए एक वरदान की तरह काम भी करते हैं। दोस्तों आप ऊंट को बस भगवान का दिया हुआ वरदान ही समझे तो काफी है, क्योंकि भगवान ने उनमें ऐसे फीचर्स दिए हैं जो दुनिया के किसी और भी प्राणी में नहीं होते। एक ऊंट कई दिनों तक बिना पानी के जिंदा रह सकता है। सिर्फ पानी ही नहीं, वो बिना खाए भी कई दिनों तक अच्छे से काम कर सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि ऊंट की पीठ ऊंची होती है, जिसे हम ऊंट की कुबड़ भी कहते हैं। कई लोग उसे ऊंट की किमान भी कहते हैं। दोस्तों हमें बताया जाता है कि कुबड़ में सारा पानी स्टोर हो जाता है जो ऊंट एक ही बार में पी जाते हैं। मगर असलियत कुछ और ही है जो आपको इस वीडियो में खुद ही समझ आ जाएगा, बस अंत तक हमारे साथ बने रहना। ऊंट की कुबड़ फैट और पानी का स्टोर है। जब भी रेगिस्तान में मवेशियों को पानी नहीं मिलता, जब ऊंट के पास पीने के लिए कोई पानी नहीं बचता, तब वो स्टोर्ड फैट और पानी खुद ब खुद उनको एनर्जी देने लगते हैं। फैट पिघलकर एनर्जी बन जाती है जो ऊंट को काम करने की क्षमता देती है। यही वजह है कि कड़क धूप में भी वो निरंतर काम करते रहते हैं और कभी अपने मालिक को निराश नहीं करते। दोस्तों ये तो हो गई इनकी खासियतों की बातें, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी यही खासियत मरने के बाद उन्हें बम में कन्वर्ट कर देती है। हाँ दोस्तों, मैंने जो वीडियो की शुरुआत में बताया कि ऊंट को मरने के बाद छूने से मना किया जाता है, अब उसका कारण आपके सामने लाने जा रहा हूँ। दोस्तों जब भी कोई ऊंट मरता है तो उसकी लाश कई दिनों तक वैसी ही पड़ी रहती है, तब उसकी बॉडी के भीतर बहुत कुछ हो रहा होता है। दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि मरने के बाद किसी की बॉडी पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाते हैं जो धीरे धीरे उसे डिकम्पोज कर देते हैं। उसी तरह से जब एक ऊंट मरता है तब उसके कुबड़ में मौजूद फैट पानी से मिलकर रिएक्ट करने लगती है और एक भयानक एसिड और गैस में तब्दील हो जाती है, जैसे कि मीथेन गैस। और ऐसे एक्टिव रिएक्शन में पेट के अंदर बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिव हो जाते हैं और उसे अंदर ही अंदर एक बड़े विस्फोट के लिए तैयार कर देते हैं। और दोस्तों ऐसे हालात में जब भी कोई बाहर की एक्टिविटी उसे इफेक्ट करती है तो वो विस्फोट हो जाता है। अगर आप उस बॉडी को केवल छू भी लेते हैं तो भी वो फट जाता है और अपने आसपास पेट की गंदगी को बाहर तो फैला देता है, साथ में जहरीले गैसेस भी निकलते हैं जो काफी बदबूदार होते हैं और हमारे लिए तो एक जहर के बराबर हैं। तो दोस्तों क्या आपने कभी सोचा था कि ऊंट मरने के बाद एक बॉम्ब भी बन सकता है? मेरे ख्याल से आप में से कोई भी इस बात को नहीं जानता होगा, मगर दोस्तों ये बात सच है, कई बार ऐसा हो भी चुका है। दोस्तों यूं तो रेगिस्तान में ऊंट सदियों से रहते हैं, उनको रेगिस्तान के उस इलाके में भी पानी ढूंढने आता है इंसान या फिर कोई और प्यास से मर जाता, मगर आज मवेशियों के कारण धीरे धीरे ऊंट की प्रजाति अपने इस हुनर को खो रहे हैं और अब बदलते जमाने के साथ लगभग सभी ऊंट अपने मालिक के ऊपर निर्भर हो गए हैं। अब जब उनका मालिक उन्हें पानी पिलाता है तब ही वो पानी पी पाते हैं, नहीं तो प्यासे रह जाते हैं। दोस्तों कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि पूरे रेगिस्तान में पानी का एक कतरा भी नहीं मिलता और मवेशी खुद को पानी पीने के लिए भी पानी जुटा नहीं पाता। ऐसे में बेचारे ऊंट जो अपने हुनर को खो चुके हैं प्यासे रह जाते हैं और कई दिनों तक पानी न मिलने के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। पानी की तलाश में वो इधर उधर घूमते तो हैं,
मगर सुनसान तपती हुई गर्मी में वो खुद में खोकर रह जाते हैं और कभी कभी तो प्राण भी त्याग देते हैं। और दोस्तों यही ऊंट मरने के बाद इतना खतरनाक बन जाता है। दोस्तों चलिए आपको हम ऊंट से जुड़े कुछ फैक्ट्स बताते हैं जिनमें से आप कुछ जानते होंगे और आपको रोमांचक भी लगेंगे। दोस्तों आपको पता है ऊंट के बिहेवियर में एक हरकत ये भी शामिल है कि वो हम इंसानों की तरह थूकते भी हैं। हाँ दोस्तों ऊंट अक्सर थूका करते हैं, कभी कभी तो लोगों के ऊपर भी थूक देते हैं। मुझे तो इस बात पर बहुत हंसी आती है, मगर दोस्तों वो मजे के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए थूकते हैं। जब भी इन्हें इंसानों से खतरा महसूस होता है तब वो उन पर जोर से थूक कर डराना चाहते हैं। हम अक्सर सुनते आए हैं कि ऊंट की कूबड़ में ढेर सारा पानी जमा होता है जिसे हम पी भी सकते हैं। और दोस्तों इस फैक्ट के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक सच भी है। दोस्तों रेगिस्तान में कई बार पानी न मिलने पर लोग ऊंट को मार देते हैं और उसकी कूबड़ से पानी निकालने की कोशिश करते हैं और आखिर में उन्हें पानी नहीं मिलता, बेचारा ऊंट भी मारा जाता है। दोस्तों ऊंट के होंठ इतने मोटे होते हैं कि वो रेगिस्तान में पाए जाने वाले कांटों को भी आराम से खा लेते हैं और उनको चोट भी नहीं लगती। यही अगर दुनिया के किसी और प्राणी को देखा जाए तो वो कभी भी कैक्टस को नहीं खा सकते क्योंकि इससे सभी के हाथ कट जाते हैं। पहले के जमाने में ऊंट का इस्तेमाल जंग में किया जाता था। हाँ दोस्तों एंशियंट ग्रीक, रोमन्स और पर्शियंस लड़ाई के मैदान में ऊंट को ही ले जाया करते थे। दोस्तों जंगली ऊंट की एक प्रजाति भी है जिसे हम वाइल्ड बचेरियंस कहते हैं और इस प्रजाति के ऊंट काफी स्ट्रांग होते हैं जिस कारण आज तक कोई भी उन प्रजाति को घर पर पाल नहीं सका। दुर्भाग्यवश वो अब 1000 से भी कम बचे हैं। ये प्रजाति ईस्टर्न एशिया में पाई जाती है। आबूधाबी दुबई में आपको कामल शाके भी पीने को मिलते हैं जो कि असली ऊंटनी के दूध से बनता है और दोस्तों उतने ही दूध में बहुत ही ज्यादा मात्रा में विटामिन सी भी होता है। कई देशों में तो ऊंट के दूध से टीबी का इलाज भी किया जाता है, उनमें से एक है कजाकिस्तान। दोस्तों एक ऊंट की लंबाई कुबड़ के साथ 7 फुट तक पहुंच सकती है और उनके वजन 1500 पाउंड तक भी जा सकता है। एक ऊंट का जीवन काल 40 से 50 साल का होता है। दोस्तों ऊंट को देखकर ही लगता है कि उसे खास रेगिस्तान के लिए ही बनाया गया है। अब आप उनकी आंखों को ही देख लो, उनकी आंखों में 3 पलकें होती है, पापनिया भी होती है जो रेत को अंदर जाने से रोकता है और यही वजह है कि रेतीले तूफान में ऊंट डटकर सही सलामत खड़े रहते हैं। साउथ अफ्रीका के केनिया में ऊंट किताबों को पहुंचाने का काम भी करते हैं। हाँ दोस्तों जिन इलाकों में बुक्स की कमी होती है वो लोग ऊंट के सहारे जरूरी किताबें पहुंचाया करते हैं। दोस्तों आप सोचते होंगे कि आखिर घोड़े का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता, तो आपको बता दे घोड़े के पैर में वो बात कहाँ। ऊंट के पाँव में 2 उंगलियां होती है जो रेत में आराम से चल सकती है, वहीं घोड़ों के पैर में नाल होते हैं जो सिर्फ सख्त जमीन पर ही चल सकती है। एक ऊंट की बाल बहुत ही घने होते हैं जो सूरज की रोशनी को चमड़ी तक पहुंचने नहीं देते, इसीलिए तो इतनी तपती धूप में भी उन्हें कुछ नहीं होता। इंग्लिश में हम ऊंट को कैमल कहते हैं, ये अरबी का शब्द है जिसका अर्थ है ब्यूटी यानी खूबसूरती। दोस्तों ऊंट को देखने से ही भला ये लगता है कि वो जल्दी जल्दी नहीं दौड़ पाते होंगे, मगर असलियत में उनकी क्षमता 1 घंटे में 40 मील दौड़ने की है। हालांकि ये स्पीड काफी देर तक नहीं रख पाते और ज्यादातर 25 मील प्रति घंटा चला करते हैं। जब एक ऊंट का बच्चा पैदा होता है तो उसके पीठ पर कुबड़ नहीं होता, मगर जैसे ही वो बच्चा खाना खाने लगता है उसके कुबड़ भी निकल आती है। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो हम आपको ऊंट के बारे में बताना चाहते थे। अब आप सभी को ऊंट के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों हमें कहा जाता है मरे हुए ऊंट को कभी मत छूना। दोस्तों यही वजह है कि हमारे लिए वो घातक बन सकते हैं। इतना ही नहीं एक बम की तरह विस्फोट भी हो सकते हैं। दोस्तों अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना जरूर। दोस्तों अगर आपको ऊंट के बारे में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग चीज पता है जिसका जिक्र हम नहीं कर पाए वीडियो में तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि ऊंट जैसे कमाल के जानवर की खूबियों को जानने में कोई कसर ना रह जाए। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा।